सोलन में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप ने की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश में बिगड़े हालात के बारे में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो विपक्ष ने नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए हामी भरी, उसे कानून बनाया और अब वे पीठ पीछे इसका विरोध कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। सोलन में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप ने की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश में बिगड़े हालात के बारे में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले तो विपक्ष ने नागरिकता संशोधन विधेयक के लिए हामी भरी, उसे कानून बनाया और अब वे पीठ पीछे इसका विरोध कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कानून देश में बन चुका है उसका विरोध करना किसी के हित में नहीं है। इस मौके पर पूर्व सांसद बीरेंद्र कश्यप ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक का सोची समझी साजिश के तहत विरोध किया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक दल वोट की राजनीति के लिए देश की जनता को पथभ्रष्ट कर उन्हें बरगला कर देश के हालात खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि जो दल पहले आतंकवादियों के हिमायती रहे हैं और दुश्मन देशों की तारीफ करते नजर आते हैं, उन्हें आज देश की जनता ने पस्त कर दिया है, लेकिन वे सत्ता के लोभियों की तरह देश की हालत बिगाड़ने की साजिश कर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है और वे उन्हें इस उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं होने देगी। इस मौके पर सोलन मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष रविंद्र परिहार, भाजपा नेता राजेश कश्यप, जिला महामंत्री भरत सहानी, कुमारी शिला और धर्मेंद्र विशेष रूप से उपस्थित रहे। कोई दो राय नहीं है कि कुछ पार्टियां अपना राजनीतिक लाभ और वोट की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इसका विरोध कर रही हैं और वो जो जो स्टेट्स में जिनकी पार्टी की सरकारें हैं वहां पर किस प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, बसें फूंकी जा रही है और जो हमारी फोर्सेस हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनको किस प्रकार से पत्थर बरसा के जो है उनको फट्टड़ किया जा रहा है, अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो इस देश को जो है वो यहाँ की परेशानियाँ बढ़ाने का काम पिछले कई दिनों से कर रही है। यही हमने देखा 370 का जब कानून जो है लाया गया, 370 को जो है वो यहाँ से ख़त्म किया गया जम्मू कश्मीर से, तो धारा 370 के बाद भी सारे देश में जो है इस प्रकार का माहौल खड़ा किया गया। और यही नहीं, ट्रिपल तलाक जो है मुसलमान जो हमारी बहनें हैं उनके लिए जो है वो ट्रिपल तलाक को जब ख़त्म किया गया, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें जो हैं अपने आप में जनता जानती है कि किस तरह से जो है यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनका धरा जो है वो भूमि जो है उनकी जो धरातल है वो खिसक गई है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एचडी के साथ। नमस्कार।